चिल्ड्रंस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम कल के क्लास में थोड़ा जानकारी देंगे, आप सब कुछ हम समझ के आज की क्लास शुरू कर रही हूँ। कल क्या हुआ था? कल हम वर्णमाला सीखकर 12 घड़ी आगे के लिए 12 घड़ी सीखे थे। 12 घड़ी में स्वराक्षर कितने हैं? 13 है। 13 के मात्राएं में हम सीखे थे। देखना चाहिए, देखें 5 प्लस 5
खजूर जैसे माता नु वृक्ष भव ग्रह जैसे भेड़ भेड़ माता देखिए ये माता आई की माता पै शैल देखिए किताब में भी आप एक बार देखिए वो की माता वो अक्षर की माता देखिए वो देखिए उल्लू वो अक्षर से शुरू होने का शब्द उल्लू उस्ताद पूर पूर आपको देखिए और एक बार उल्लू उस्ताद पूर पूर देखिए ऐसे हम वो मात्रा मात्रा के साथ धनुष मुख कछुआ देखिए ऊ की मात्रा सूरज चूहा खजूर देखिए ऐसे ही तो मात्रा के साथ शब्द रचना और वाक्य रचना में देखिए सुमन कुटिया पर चल सुमन कुटिया पर चल मुख मनो धूल मत उड़ा मनो धूल मत उड़ा कालू झूठ मत बोल खालू कालू झूठ मत बोल चुलबुल कबूतर मत उड़ चुलबुल कबूतर मत उड़ा राहुल तरबूजा चक राहुल तरबूजा चक देखे मीनिंग भी है सुमन को बोलते हैं माँ की वो सर कोई टीचर कुटिया पर चल घर चल उठाओ और देखे मनो धूल मत उड़ा धूल डस्ट मत उड़ा कालू झूठ मत बोल बोल झूठ मत बोल झूठ मत बोलना चुलबुल चुलबुल कबूतर मत उड़ा चुलबुल वो नटखट करते हैं वो मत उड़ा राहुल तरबूज छक तरबूज फल को चेक खा खा ले देखिए आपको ये बार बार घर में बैठना है बैठकर पढ़ना है पढ़ाई तो आपको थोड़ा याद भी होगा देखिए दो अक्षर को लिखते समय दो अक्षर को वो मात्रा लिखते समय देखिए रुपये देखिए रुपये रुकावट है देखिए रू रुमाल रूटना देखिए ऐसा आपको पढ़ते 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 हम हमको आ जाएगा रोक्ष वृक्ष मात्रा वृक्ष रुख ग्रह देखिए ऋतुओं के बारे में हम ऋतु लिखते समय रु मात्रा नहीं लिखते रु अक्षर ही लिखते हैं स्वराक्षर ही लिखते हैं देखो शरद ऋतु भीष्म ऋतु वर्षा ऋतु वसंत ऋतु शरद ऋतु वेंटर डेज भीष्म ऋतु समर डेज वर्षा ऋतु रेनी डेज वसंत ऋतु स्प्रिंग डेज ऋतु लिखते समय हम कुछ नहीं अलग मात्रा नहीं लिखते केवल स्वर अक्षर ही लिखते हैं देखिए आई ये मात्रा देखिए अक्षर का ए डी ए आई नक आई आई नक आई रावत आपको पता लगा है देखिए ये अक्षर का